अस्सलाम वालेकुम 8 क्लास, कैसे हैं आप लोग? आई होप के बेटा ठीक होंगे। आज हमारा लेक्चर नंबर 17 है, सैटरडे डे है। राइट अ नोट ऑन कंजर्वेशन ऑफ मैस। मैस या मटर के जो उनसे कानून बकाए मादा पर नोट लिखे, यानी कि हमारे पास मैस सेम रहते हैं। लाफ कंजर्वेशन ऑफ मास वाज पुट फॉरवर्ड बाय अ फ्रेंच केमिस्ट, जिसे फ्रांसीसी केमिस्ट लेविजार ने 1785 में से बनाया था। दिस लास्ट स्टेट्स दैट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के दौरान मास इज नीदर क्रिएटेड, मास ना तो बनाया जा सकता है, नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, नहीं तबाह होता है लेकिन एक चेंज एक से दूसरे आलम में तब्दील हो जाता है। इन अदर वर्ड, दूसरे अल्फाज में, ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट। हमारे पास जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है उनका टोटल मैस बराबर रहता है। इसको एक्टिविटी के जरिए प्रूव करते हैं। मटीरियल जो हमें चाहिए होगा, एक फ्लास्क चाहिए होगा, वेट बैलेंस चाहिए होगा, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन और सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन। प्रोसीजर क्या है? टेक अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सोडियम क्लोराइड इन कॉनिकल फ्लास्क। हमारे पास सोडियम क्लोराइड की थोड़ी सी मिकदार लेनी है कॉनिकल फ्लास्क में, एंड सिल्वर सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सिल्वर का सोल्यूशन लेना है। प्लेस द टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग सिल्वर नाइट्रेट सोल्यूशन इन द फ्लास्क, उसको फ्लास्क के अंदर लटका दें। इट्स वॉल इन सच अ वे इस तरह से दैट टू सोल्यूशन डू नॉट मिक्स, के ये दो सोल्यूशन आपस में हल नहीं होते। सील द फ्लास्क विद अ कार, किसके कार से बंद कर दें, एंड वेट इट अलॉन्ग इट्स कंटेंट, और इसको अब इसका वजन की पैमाइश करें। शेक द टेस्ट ट्यूब इन द फ्लास्क एंड अलाउ द टू सोल्यूशन टू मिक्स विद इच अदर, इस तरह से शेक करें कि वो दोनों के दोनों सोल्यूशन आपस में मिक्स हो जाएं। ऑब्जर्व व्हाट हैपन व्हेन टू सोल्यूशन मिक्स विद इच अदर, क्या होता है जब दोनों सोल्यूशन एक दूसरे से मिल जाते हैं, एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, और अपने ऑब्जर्वेशन को दोबारा नोट करें। वेट द फ्लास्क अगेन एंड नोट वेदर बोथ द वेट आर इक्वल आर नॉट, दोबारा से वेट करें, देखें कि पहले जो वेट किया था वो और आपका वेट इक्वल है। थ्रू द एक्टिविटी वी ऑब्जर्व, हम ये देखते हैं दैट द फॉर्मेशन ऑफ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर क्लोराइड बन जाता है एज अ प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन सोडियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के दरमियान जब रिएक्शन करवाया तो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट बन गया है। दी बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इज एज फॉलोज, सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड गिव्स अस सिल्वर क्लोराइड प्लस सोडियम नाइट्रेट। ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, है केमिकल रिएक्शन के दौरान टोटल मैस ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मैस ऑफ द रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का मैस उतना है जितना कि रिएक्टेंट का है। दस वेरी फैजल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, तो ये मैस का हमारे पास जो ला था वो प्रूव हो गया कि इसका मैस चेंज नहीं होता, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का सेम होता है। इसकी डायग्राम है बेटा, मैं बुक से दिखा देती हूँ, वो आप लोगों ने अपनी नोटबुक्स के ऊपर साथ में राइट ड्रा करनी है। ये हमारे पास है, ठीक है। आप लोगों ने ये दोनों डायग्राम्स, ये जो एक्टिविटी में दिखाई गई हैं, येलो वाली जिसमें है, और इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड है, ये आप लोगों ने बेटा अपनी नोटबुक के ऊपर ड्रा करनी है टॉपिक के साथ, और ये अच्छे तरह से ये टॉपिक करना है, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।